हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट। इसमें डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे और फॉर्मूलाज। टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल, वर्ड्स विच डिनोटेड ऑन ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमारे पास मनी होती है वो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, किसी को देते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट्स द प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल चार्ज बाय लेंडर फॉर द यूज ऑफ इट्स मनी। रेट ऑफ क्या होती है? जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो हमने किसी को दिया या बैंक में जमा किया, तो उसके ऊपर हम क्या लेंगे? चार्ज लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। यानी 25 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, 50 पैसे या 1 रुपीज, तो वो एक किस पे काउंट करेंगे? प्रिंसिपल पे काउंट किएंगे करेंगे। ओके, थर्ड हम डिस्कस करेंगे टाइम, द पीरियड फॉर विच ईयर मनी इज डिपॉजिट इन द बैंक और फॉर विच द लोन हैज बीन बोरो। टाइम हमारा क्या होता है? जो हमने पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट किए कितने टाइम के लिए, यानी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, या किसी को दिए हमने वो कितने टाइम के लिए, वो ये हमारा क्या करें? टाइम काउंट करेंगे कितने टाइम के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा है पेमेंट फॉर ए बोरो टू ए वेंडर फॉर एन अमाउंट अबव रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम। इंटरेस्ट क्या होगा? जो हमने प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमारे पास, जो प्रिंसिपल हमारे पास था वो हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमने कितने टाइम के लिए किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया, तो हमें वो जो पैसे तो हमें मिलेंगे मिलेंगे, और उसके साथ में उसका इंटरेस्ट और मिलेगा। बैंक ने हमारे पैसे यूज किए हैं तो उसके बदले में कुछ देगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा पैसे। और इंटरेस्ट, जैसे हमने 10,000 रुपीज़ दिए तो उसमें 10,000 में कुछ इंटरेस्ट भी बनेगा, तो वो हमारा इंटर पैसे भी देगा इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट हमारा ब्याज बनेगा उसमें। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अमाउंट। द सम टोटल ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जो हमारा प्रिंसिपल हमने बैंक में जमा किया था और जो हमारा इंटरेस्ट बना था, दोनों को प्लस करके देगा। यानी हमने बैंक में एक्स रुपीज जमा किए थे, एक्स किए थे और प्लस में 10 रुपीज ब्याज बन गया, तो हमारा टोटल क्या बन गया? एक्स प्लस में 10, यानी वो हमारा अमाउंट बन जाएगा इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। जो हमारा प्रिंसिपल है और उसमें जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अब इसके फॉर्मूलाज हैं, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल को पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, और टाइम को, टाइम इन ईयर टी से, अमाउंट को ए से। इंटरेस्ट होता है हमारा, यानी जो हमारा जो ब्याज बना ना इंटरेस्ट, जो हम पैसे यूज किए और उस पैसे यूज किया तो बदले में कुछ देगा ना, उनको बढ़ाएगा, वो होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो हमारे पास पैसे होते हैं, अमाउंट होता है बैंक में जमा किया। रेट हमारा, रेट डिपेंड करेगा प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है उस पे हमने कितने रेट ऑफ से दिया, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपीज़। टाइम हमने कितने टाइम के लिए दिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अमाउंट यानी प्रिंसिपल, और हम प्लस कर देंगे इसको इंटरेस्ट को, वो हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। ये जो हमारे पास पैसे थे और कुछ उसका क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। उन दोनों प्लस करेंगे क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ये हमें क्या निकालेंगे? एस आई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, आपको यही फॉर्मूला याद करना है, सभी फॉर्मूले से ही बनेंगे। तो हमने एस आई निकाल दिया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब इसमें निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारे यहाँ है तो हम क्या करेंगे?
ये नीचे जो 100 डिवाइड में है ये SI के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी 100 का है डिवाइड में, और हमें निकालना क्या है P निकालना है, तो ये हमारा चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो SI मल्टीप्लाई 100, और जो ये P के साथ में हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, ये निकालना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये कहाँ आ जाएंगे नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, यानी रेट मल्टीप्लाई टाइम, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, सब इससे बनेंगे, SI निकालना है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये ना मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे डिवाइड में चल जाएंगे, और ये नीचे जो डिवाइड में है ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और पी हमें निकालना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई में टाइम। थर्ड हम निकालेंगे रेट निकालेंगे, तो रेट निकालेंगे, तो रेट हमारा यहाँ है, तो रेट हमें निकालना है, रेट के साथ में क्या है प्रिंसिपल है और टाइम है, तो ये तो हमारे मल्टीप्लाई में ना, रेट के साथ में टाइम भी मल्टीप्लाई में है और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे चल जाएंगे डिवाइड में, और ये नीचे हमें 100 है डिवाइड में, ये इधर आगे SI के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। थर्ड हम निकालेंगे टाइम, तो टाइम निकालेंगे, तो टाइम के मल्टीप्लाई में रेट भी है, टाइम के मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल भी है, तो हम टाइम निकालेंगे तो 100 तो ऊपर चल जाएगा, तो SI मल्टीप्लाई 100 और ये मल्टीप्लाई में नीचे क्या आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, तो हमारे डिवाइड में हो जाएंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। और नेक्स्ट है हमारा अमाउंट का, तो अमाउंट हमने बताया था, अमाउंट कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास पैसे थे या मनी थी वो हमने बैंक में जमा किया, तो उसका प्लस करेगा ना, कुछ हमें देगा उसके बदले में, कुछ देगा ना, हमने बैंक को पैसे दिए हैं, पैसे उसने हमारे यूज किए हैं, तो कुछ प्लस करेगा देगा ना, तो वो हमारे क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस में क्या कर देंगे SI। सिक्स हमारा है SI कैसे निकालेंगे, अब देखो SI एक फॉर्मूला हमने बताया था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये कब लगेगा जब अमाउंट दे रखा हो प्रिंसिपल दे रखा हो, तो SI निकाल देंगे अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, वो फॉर्मूला कब लगेगा जब प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा हो, और ये सेकेंड फॉर्मूला कब यूज होगा जब ओनली अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा हो, तब हम निकाल देंगे अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है प्रिंसिपल का, एक हमने प्रिंसिपल का बताया था SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये बताया था ना हमने प्रिंसिपल का SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये तो कब लगेगा जब SI दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, और ये कब लगेगा, इसका यूज तब होगा जब अमाउंट और SI दे रखा हो, ओनली टू चीज है, ये टू है, यानी अमाउंट गिवन है और SI गिवन है, इसके अंदर क्या गिवन नहीं है, जब रेट गिवन नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे, यानी अमाउंट में से SI माइनस कर दें, हमारा क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ प्रिंसिपल निकालेंगे, इसका यूज कब होगा, इसका यूज होगा जब SI नहीं दे रखा हो, क्या नहीं दे रखा हो SI, इसमें भी SI का यूज हुआ, इसके में SI का यूज हुआ, और इस वाले में भी SI का हमारा यूज हुआ ना, इसमें भी SI का यूज हुआ, प्रिंसिपल निकाला, और इसका यूज कब करेंगे जब हमारे पास SI नहीं है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई क्या दिया गिवन मिलेगा, अमाउंट गिवन मिलेगा, रेट गिवन मिलेगा, टाइम गिवन मिलेगा, तो हम अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस में इनटू में, पहले R मल्टीप्लाई टी, R और T का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 में प्लस करेंगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल के तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो कब यूज होगा जब SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम दे रखा हो, सेकेंड का यूज जब होगा जब हमारे पास ओनली अमाउंट और SI दे रखा हो, अमाउंट और SI दे रखा हो, ओके, तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, ओके, थैंक यू।